फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज ये देखिए, ये दिवाली के दिन की वीडियो है हमारी और यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। मैंने बच्चों को दे दिया था नाश्ता सुबह का और यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे नाश्ते कर रहे थे। और ये देखिएगा, गेंदे का फूल आ गया था, घर को इसे सजाना था तो इसलिए सुबह सुबह ही लेके आ गए हैं। और इस गेंदे को अभी यहाँ पे दरवाजों पे लगाना है तो ये काम है। तुम लोग का स्कूल ही रहता है, बिल्कुल सही रहता है, एकदम स्कूल में ही। अरे दिवाली, किसी की तो छुट्टी नहीं है, लेकिन मैंने अपने खुशी पेपर पे साइन करके छुट्टी मांगी। हाँ, मैं और ये देखिए, धनिया की छोटी सी क्यारी है, बिल्कुल छोटी सी क्यारी है, लेकिन धनिया बहुत अच्छे आए। इसको जो है ना, पापा ने लगाया हुआ था तो कुछ दिन पहले ही धनिया इसमें बुने थे और बहुत अच्छी खासी धनिया आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा था, घर का धनिया बहुत ही ताज़ी ताज़ी रहती है तो कभी भी यूज़ करने का मन होता है तो यहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेन गेट पर, ये देखिएगा, यहाँ पर इसको हम लगाएँगे तो इस तरीके से ही लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ का गेट जो है ना, ये कहीं से कील लगाने वाला नहीं है क्योंकि लोहे की इसमें बीट बनी हुई है ना, तो बस इसी तरीके से हम फूल को लगा सकते थे तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था। और ये मेरे देखिए ढचर, तो मेरी वेशभूषा पे अभी मत जाइएगा, उस ये मुझे इसके लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा, तो नहा धो लिए थे और दोपहर हो गई थी, सारे काम निकाल लिए थे मैंने, घर की साफ़ सफाई भी जो एक्स्ट्रा में थी ना वो तो कल भी हो गई थी, थोड़ी बहुत जो बची हुई थी तो उसको मैंने आज भी कर लिया था। और यहाँ पे ये आगे का एरिया है, यहाँ से हमें रंगोली बनाना है, लेकिन सामने से सोफ़ा लगा हुआ है तो इसको हम पहले सेट करेंगे। तो अभी जो है सोफ़े को हम एक साइड दीवार साइड से लगा दिए हैं, ये देखिएगा, सिंगल वाले को भी मैंने लगा दिए थे और बड़े वाले जो सोफ़े थे ना उसको भी मैंने यहाँ से लगा दिए थे। और जो मेन गेट के सामने का एरिया था उसको मैंने यहाँ पे देखिए अच्छा खासा स्पेस निकाल लिए हैं। और इस यहाँ पे मैंने झाड़ू को लगा लिया फिर से, और यहाँ पे जो है मैं पोछा भी लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण पादुका होती है, वो मैं यहाँ सामने गेट पे बनाऊँगी, इसीलिए थोड़ी सी एक बार मुझे सफाई और करनी थी तो बस मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह का पोछा लगने के बाद मैं दोबारा से लगा रही हूँ। तो ये हमारी देखिए साफ़ सफाई का काम हो गया है। तो अब मैं रंगोली से बनाने के लिए जो मेरा हमारी सामग्री थी वो भी मैं लेके आ जाऊंगी। पोछा थोड़ा सा दूर तक लगा लेंगे क्योंकि बच्चे घर में हैं और काफ़ी ज़्यादा शैतानी भी करते हैं ये लोग, तो इन लोगों को देखिए सख्त मैंने पहले मना कर दिया था कि किसी को भी चप्पल लेके इधर नहीं आना है, लेकिन ये लोग थोड़ी बात सुनते भी हैं कभी कभी। ये देखिएगा, तो ये दोनों आना जाना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी साफ़ सफाई हो गई थी, फिर मैंने जो ऑनलाइन बहुत सारे सामान को मंगाए थे, तो मेरी छोटी गुड़िया जो है ये रंगोली की बहुत शौकीन है हमारी नित्या, तो ये देखिएगा यहाँ पे सभी रंगोली के सामान मैंने इकट्ठे में ले लिए थे। और सामने से ये हमारा फ्रंट एरिया है तो यहाँ पे हम
सबसे पहले क्या करेंगे, सब रंगोली का जो है छोटे छोटे पॉच में बने हुए थे तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से कट करके इकट्ठे में थाल में सजा लेंगे पहले। त्यौहारों वाले दिन तो मत पूछिए, एक तो शुरू से ही काम रहता है, पूरे दिन ही काम रहता है। दूसरी तरफ भाभी जी के यहाँ लगी हुई है किचन में और इन्होंने बहुत सारे पकवान बना लिए थे, खाना सब्जी भी बना लिए थे और यहाँ मीठी वाली खीर भी इन्होंने बना ली थी, तो दिन में ही बना लिए थे, साथ में छोले भी बना रहे थे। हमारे घरों पर तो छोले ही बनते हैं, पूड़ियाँ छोले यही सब बनाए जाते हैं। और ये देखिए मैंने लक्ष्मी जी के चरण पादुका के साथ यहाँ पे रंगोली पूरी कर ली और बच्चों ने भी बहुत अच्छी से मेहनत किया था, पूरे दिन इन्होंने भी बहुत कुछ बनाया है, ये देखिएगा। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये हमारे बच्चों के बने हुए रंगोली हैं, बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने रंगोली बनाए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी रंगोली इन्होंने बनाई है। और ये देखिए तो पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई थी, शाम की पूजा मुझे अब करनी थी तो मैं यहाँ तैयार हो गई थी नहा धो के। और मैंने यहाँ पर देखिए कॉटन की साड़ी डाली है, तो मुझे कॉटन की साड़ी वैसे बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ कॉटन की साड़ी, मुझे आदत हो गई है इसकी। तो सिफोन या जॉर्जेट साड़ी भी बहुत को लोगों को पसंद आती है, लेकिन मैं कॉटन की साड़ी पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि वो उसकी प्लेट जो है ना बहुत ईजिली मेरे से बन जाती है, तो मैं पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और पूजा का घर जो है मैंने पूरे दिन में ही सब कुछ रेडी कर लिया था, अच्छे से इसको डेकोरेट कर लिया था और सारे मतलब पूजा के जितने भी काम थे ना मैंने दिन में ही निकाल लिए थे, क्या ताकि शाम में मुझे कोई भी परेशानी ना हो। तो ये तो हमारी पूजा पाठ के काम चल रहे हैं और साथ में मेरी छोटी बेटी ये देखिएगा बहुत गुस्से में हो गई, उन्होंने कैमरा भी बिल्कुल सही से नहीं रखा है, गुस्से में इतनी ज़्यादा गुस्से में कि उन्होंने कैमरा लेना ही बंद कर दिया था, फिर मैंने कितना कहने के बाद वो कैमरा को लिया है। उसे देखिए जब भी कुछ भी होता है ना तो उसका गुस्सा पारा साथ में आसमान पर रहता है, कहिए क्यों, क्योंकि सभी ने क्या है ना लहंगे या कुछ वो प्लाजो टाइप के पैजामा होते हैं ना वो उस टाइप के ड्रेसेस पहने हुए थे सब ने, और इसने स्कर्ट पहना था तो इसको भी वही टाइप के कपड़े पहने थे, बस इसने मतलब गुस्से में कुछ भी नहीं किया है, चुपचाप बैठी हुई थी और मेरे कितने कहने पे फिर ये उठी है। और यहाँ पे मैंने जोत जला दिया है, देखिए लक्ष्मी जी के पास भी मैंने जला दिए थे और यहाँ पर तुलसी चौक पे भी मैंने जला दिए हैं, धूपबत्ती मैंने दिखा दी है, पूजा हमारी हो गई थी और शाम की आरती भी हम कर लिए, इकट्ठे में सभी ने मिल के आरती गाया है।
उसके बाद हमारी दीप जल रही थी बाहर की ओर से, जो हमारा बाहर का एरिया है सभी जगह दीप जलाने थे, और जो दरवाजे के चारों दिशा में है उस जगह पे भी हमें जलाना है। और यहाँ पे देखिए हमारी बिटिया पोसू जला रही थी, ये इसके इतने धुएं निकल रहे थे इसमें कि पूरा एरिया देखिए धुआं धुआं सा हो गया था। फिर मैंने इसको फेंकने के लिए कहा है तो ये फेंकी है, और दीप हमारे अभी और तैयार हो रहे थे तो इस तरीके से सभी जगह लगा लेंगे। और दिवाली में बहुत सारे काम हो जाते, काम को करते करते वैसे ही थकावट सी महसूस हो रही थी, और सुबह से मतलब कुछ खाया पिया भी नहीं था, भूखे ही थे, थोड़े बहुत पानी चाय हो गई थी हमारी। और दोस्तों ठंड भी काफ़ी बढ़ी गई थी, रात के काफ़ी ठंड हो गई थी, बच्चों के लिए तो ज़्यादा ठंड थी, हम लोगों ने भी ठंड के कपड़े पहन लिए थे और मैंने कपड़ों को चेंज कर लिया था रात में, क्योंकि छत पे आना था और छत पे ही पटाखे छोड़ने थे, तो कपड़े ज़्यादा हैवी पहन के मैं पटाखों नहीं छोड़ने देती हूँ बच्चों को भी ज़्यादातर कोशिश, तो सभी के कपड़े मैंने चेंज करा दिए थे और फिर छत पर पटाखे छोड़ने के लिए चले गए थे। उसके पटाखे छोड़ के आए बच्चे थोड़े बहुत, उसके बाद फिर इन लोगों को भूख लग गई थी तो खाना दे दिए थे, फिर खाना खा के इन्होंने छत पे गए, फिर पटाखे छोड़े, मस्ती किए, मज़े किए, और इस तरीके से हमारी दिवाली मन गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए हमारे गाँव का सीन है, पूरे एरिया मैंने छत पर से ही लिए हैं, इसके देखिए सभी घरे सजे हुए थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और ज़्यादातर दिवाली जो है ना हमें गांव में ही मनाना पसंद है, शहर की दिवाली भी अच्छी होती है पर उसके मुकाबले मुझे गांव में ज़्यादा पसंद आता है दिवाली। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, वैसे तो वीडियो हमारी बहुत लेट जा रही है, इसके लिए फिर से मैं दोबारा से माफ़ी मांगूँगी, क्योंकि हमारी वीडियो तो बन जाती है पर एडिट नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं आप समझ सकते हो, एडिट करने में टाइम लगता है, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ समय से, इसीलिए मुझे इसके लिए खेद होता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वीडियो हमारी लेट से आप तक पहुँचा पाती हूँ। और ये इंजॉय कीजिए वीडियो को, तब तक मिलते हैं आप सभी के लिए, बाय बाय।